बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रविवार को करीब 3.5 साल बाद पटना पहुंचे और हमेशा की तरह एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्म हो गई। लेकिन इस बार बिहार की राजनीति के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनकी पार्टी में भी काफ़ी झगड़ा देखने को मिला। रविवार को दिल्ली से पटना लौटने से पहले लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर एक टिप्पणी की। आरोप कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास, भक्त चरण दास प्रभारी है। चरण यादव भक्त को न रही है, उसको कुछ पता है? भक्त चरण दास, लालू ने भक्त चरण दास को भक्शोनर यानी कि एब्सेंट माइंडेड कह दिया, जिसके बाद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि लालू प्रसाद यादव के तमाम विरोधी दल यानी कि बीजेपी, जेडीयू, हम सभी ने लालू प्रसाद यादव को जमकर घेरा और इस बयान को दलितों का अपमान बताया। लालू प्रसाद यादव जी अपने आप के वंचित, दलित, शोषितों के नेता कहे जाते थे, लेकिन उनके जैसे बड़ा आदमी एक दलित नेता को इस प्रकार से कहना, भक्त चरण दास जैसे दलित नेता को इस प्रकार से अपशब्द बोलना जो मैं बोल भी नहीं सकता। प्रसाद यादव जी ने दलित विरोधी बयान दिया है। इनके बार बार, इनके 15 साल के शासनकाल में भी किस तरह से दलितों का नरसंहार हुआ ये सब लोग जानते हैं। जिस वक्त लालू प्रसाद यादव दिल्ली में ये बयान दे रहे थे, उस वक्त पटना में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के स्वागत के लिए अपने सरकारी आवास 2M स्टैंड रोड में काफ़ी तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने गेट पर वेलकम टू माय फादर के गुब्बारे लगाए और घर को काफ़ी सजाया। शाम को करीब 6 बजे लालू प्रसाद यादव पटना में लैंड हुए और इस दौरान उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत कई नेता लालू प्रसाद यादव को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुँचे। बताया गया कि तेज प्रताप यादव ये चाहते थे कि लालू यादव 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास जाने से पहले उनके घर यानी कि 2M स्ट्रैंड रोड जाएं, लेकिन लालू प्रसाद यादव इसके लिए नहीं माने और सीधे वो 10 सर्कुलर रोड यानी कि राबड़ी आवास आ गए। तेज प्रताप यादव को इस बात से इतनी नाराज़गी हुई कि लालू यादव की गाड़ी के पीछे पीछे वो इस घर के गेट तक ज़रूर आए, लेकिन यहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी बैक कर ली और ये आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एक MLC ने उन्हें न सिर्फ राबड़ी आवास के अंदर जाने से रोका बल्कि लालू यादव को तेज प्रताप यादव के घर न जाने के लिए भी कहा। अपने आवास पे हमने पिताजी को कॉल भी लगाया, माता जी से भी बात हुई, हमने बोला कि 5 मिनट यहाँ होते हुए फिर अपना यहाँ वो नहीं पहुँचे 5 मिनट, तो जगता सिंह जी ने मना कर दिया। जगता सिंह ने मना कर दिया, जगता सिंह, सुनील सिंह, संजय जो है वो मना कर दिया। आखिर क्यों मना किया गया तेज प्रताप जी? अब तो वो जानेंगे ना क्यों मना किया गया। जिसके बाद तेज प्रताप यादव गुस्से में तिलमिलाए और अपने सरकारी आवास यानी कि 2M स्ट्रैंड रोड जाकर रात तकरीबन 8:30 बजे धरने पर बैठ गए। घर के बाहर उन्होंने धरना दिया और ये आरोप लगाया और ये मांग की कि जब तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पार्टी में रहते हैं तब तक RJD से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे पिता को आखिर बंधक क्यों बनाया गया? ORSS के एजेंट लोगों के द्वारा ये हमारे पिता को बंधक बना करके रखने का काम हुआ और ये फिर से वही इतिहास दोहराया जाएगा। अब हम दिखा देंगे दूध का दूध और पानी का पानी राजद वालों को। इसके करीब 1.25 घंटे बाद जब लालू यादव को इस बात की सूचना मिली, लालू यादव बीमार होने के बावजूद हाफ पैंट और टी शर्ट में राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप यादव को मनाने पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने लालू यादव के आने से पहले अपना धरना खत्म किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपना पूरा सरकारी आवास अपने कार्यकर्ताओं के जरिए झाड़ू लगवाकर और मटकी से पानी गिराकर साफ कराया और जब लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के घर उन्हें मनाने पहुंचे, इसके बाद तेज प्रताप यादव ने लालू यादव के पैर पखारे यानी कि उनका पैर धुलकर उसे पोछा और इसके बाद लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के साथ अपने घर यानी कि 10 सर्कुलर रोड वापस लौट गए। हालांकि जिस तरीके से रविवार रात को लालू यादव ने अपने बड़े बेटे को मनाया, उसके बाद अब ये देखना होगा कि तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होता है। उत्कर्ष कुमार सिंह, क्विंट हिंदी।